का टेक्निकल एसी चैनल में सभी को स्वागत हूँ। आज मैं बताऊंगा कि एम ग्रुप और ई ग्रुप का ट्रेड का डिफरेंस क्या है और कौन सा ट्रेड अच्छा है और कौन सा ट्रेड थोड़ा मतलब कि वो अच्छा ही है लेकिन उसमें क्या मिलेगा आपको, तो देखते रहिएगा। मैं ट्रेड लिस्ट में जाना चाहूँगा, तो देखिए ये है आपका एम ग्रुप और ई ग्रुप का जो लिस्ट है। तो ये लिस्ट आपको जो पोर्टल का वेबसाइट है, पोर्टल के वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो। लेकिन आपको जानना चाहिए कि एम ग्रुप और ई ग्रुप का ट्रेड क्या है। पहले थोड़ा डिस्कस करेंगे एम ग्रुप का ट्रेड क्या है। तो एम ग्रुप का मतलब है कि जो माध्यमिक पास, जो 10th पास किए हो तो वो ट्रेड है एम ग्रुप का, ठीक है। 10th पास किए हो तो आपको एम ग्रुप का ट्रेड मिलेगा। और ई ग्रुप का जो ट्रेड है, ई ग्रुप का ट्रेड जो 8th पास किए हो, ये देखिए ये ई ग्रुप का ट्रेड है। तो अगर ई ग्रुप का ट्रेड में अगर आपको पढ़ना है तो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन 8th पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये है ई ग्रुप एंड एम ग्रुप का डिफरेंस। तो अभी आज देखेंगे कि जो कौन सा ट्रेड है। तो पहले आप लोग देखिए, यहाँ पर नंबर 1 पे है मैकेनिक डीजल। यहाँ पर दिया गया है कि सेमिस्टर, ड्यूरिंग इन सेमिस्टर, मतलब कि आपका 2 सेमिस्टर में होगा या फिर 4 सेमिस्टर में होगा। यहाँ पर देखिएगा 2 सेमिस्टर का मतलब है 1 साल का आपका ये कोर्स रहेगा। और इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग ये ट्रेड होता है, ठीक है। इंजीनियरिंग सेक्टर पे आप लोगों को ये कॉलेज में जो ट्रेड होता है ना, इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा। ई का मतलब है इंजीनियरिंग और एन ई का मतलब है नॉन इंजीनियरिंग, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा एम ग्रुप, एम लिखा है और एन एस क्यूब लेवल कितना है, 4 और 5। ये लेवल अलग सा होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके होता है। तो एन एस क्यूब लेवल के बारे में अगर आप लोगों को जानना चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट में बोलिएगा कि एन एस क्यूब लेवल के बारे में अगर पूछेगा तो मैं आंसर दूंगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बहुत सारा ट्रेड है, 1 साल का और 2 साल का ट्रेड बहुत सारा है। यहाँ पर सर्वेयर देखिएगा, 2 साल का ट्रेड है, इसका सेमिस्टर नंबर 4 है। यहाँ पर देखिएगा फिटर है, बहुत ही अच्छा ट्रेड है। यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रीशियन है, अच्छा ट्रेड है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, ड्राफ्ट्समैन, सिविल, ये सभी अच्छा ट्रेड है, ये इसमें आप लोग भर्ती हो सकते हो। और भी मशीनिस्ट है, 2 साल का ट्रेड है। टर्नर है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट और जो कि बहुत ही अच्छा ट्रेड है। यहाँ पर जॉब ज़्यादा मिलता है रेलवे में और सेल में, गेल हेल जो डिफेंस है, जो DRDO, वहाँ पर भी आप लोगों को नौकरी मिलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा ई ग्रुप का भी ट्रेड अच्छा ट्रेड है, बहुत ही अच्छा बढ़िया ट्रेड होता है। ई ग्रुप में 8th पास अगर किए हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 8th पास क्वालिफिकेशन में आप लोगों को ये सब ट्रेड मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा नंबर 1 पे है फाउंड्रीमैन टेक्नीशियन, ये 2 सेमिस्टर मतलब कि 1 साल का ट्रेड है ई ग्रुप का। और ये सब इंजीनियरिंग ट्रेड है, ठीक है, इंजीनियरिंग ट्रेड है और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड भी यहाँ पर दिखा देगा आपको। एन ई का मतलब है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। तो यहाँ पर देखिएगा एन एस क्यूब लेवल, ये 4 है 3 है, यहाँ पर अलग से लेवल होता है एन एस क्यूब लेवल 3, 4 ऐसे करके। यहाँ पर देखिएगा प्लम्बर है, अच्छा ट्रेड है, आप लोग कर सकते हो। सीट मेटल वर्क है, बहुत ही अच्छा ट्रेड है। और वेल्डर तो बढ़िया ट्रेड है, आप लोग रेलवे में देखे तो कि बहुत ही वैकेंसी निकलता है, तो वहाँ पर आप लोग वेल्डर में भर्ती हो सकते हो। वेल्डर में ITI कीजिए तो आपका भविष्य अच्छा रहेगा। यहाँ पर वायरमैन देखिए, ये इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड है, ठीक है, ये 2 साल का ट्रेड है। वायरमैन ये 2 साल का ट्रेड है लेकिन ये ई ग्रुप का है, ठीक है। 8th पास में आप लोगों को ये वायरमैन मिल जाएगा, ये भी बहुत अच्छा ट्रेड है। यहाँ पर ड्रेस मेकिंग है, स्विंग टेक्नोलॉजी, स्विंग टेक्नोलॉजी भी ये ड्रेस मेकिंग के अंदर ही पड़ता है। और कारपेंटर है लास्ट में, कारपेंटर जो कि लकड़ी का काम होता है, वहाँ पर कारपेंटर का आपको अगर काम अच्छा लगे तो जरूर कारपेंटर में भी कीजिएगा। ये भी रेलवे में बहुत ही अच्छा जो जॉइनिंग मिलता है आप लोगों को, वैकेंसी निकलते हैं। तो यहाँ पर तो अच्छा ट्रेड कौन सा है, वेल्डर है, प्लम्बर है, सीट मेटल वर्क, वेल्डर, पाइप, वायरमैन, जो ड्रेस मेकिंग है, कारपेंटर है, ये सभी अच्छा ट्रेड है, आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और एम ग्रुप का अगर ट्रेड बोले तो आप लोग चॉइस कर सकते हो, इलेक्ट्रिशियन को चॉइस कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मशीनिस्ट, जो कि टर्नर, सर्वेयर, मैकेनिक डीजल, ये 1 साल का ट्रेड है, 1 ईयर का, तो यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ड्राफ्ट्समैन सिविल 2 साल का ट्रेड है, बहुत ही अच्छा ट्रेड है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर नहीं, वो सब जो ट्रेड है उसी में आप लोग अप्लाई कीजिएगा। और भी एक ट्रेड है, बहुत ही अच्छा ट्रेड है,
कोपा ट्रेड है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ये भी अच्छा ट्रेड है, 1 ईयर का ट्रेड है, लेकिन इसका बेनिफिट आप लोगों को अच्छा मिलता है, ठीक है। ये भी नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये लिस्ट आपको मिल जाएगा कहाँ पर, जो पोर्टल का वेबसाइट है, वेबसाइट में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए वीडियो इतना ही।